काम ही नहीं, तू आज यहीं रुक जाना, वैसे भी कितनी रात हो गई है, कल हम साथ में चलेंगे ड्यूटी पे। तुझे तो पता है अरब घर पर वेट कर रहा होगा मेरा, उसको मेरे बिना नींद कहाँ आती है। चल अपना ध्यान रखना, चल बाय बाय। मैं पुलिस वाली हूँ, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो पुलिस तुझे छोड़ेगी नहीं। रुक अभी दिखाती, रुक। नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। अपराधियों में पुलिस का डर ही अपराध पर नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। बड़े से बड़ा अपराधी भी पुलिस से टक्कर लेने से डरता है, लेकिन ये जो हमने अभी देखा शायद इससे डरावना और कुछ नहीं हो सकता। कौन थे ये लोग जिनमें पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं था? अरब इकड़े बस, मैं आई को देख के आता हूँ। बाबा आई ड्यूटी पर ही है ना? अब पता नहीं बेटा, मैं पूछ के आता हूँ। वो काले जरा बगा मुलगड़े। अरे सर प्रमोद, तेरी तो नाइट ड्यूटी है, सुबह क्यों आ गया? साहब मैं ड्यूटी के लिए नहीं आया हूँ, मैं कामिनी को देखने के लिए आया हूँ। वो रात को इलेक्शन ड्यूटी के लिए गई थी लेकिन अब तक घर लौटी नहीं है। अब तक नहीं है रेखा में? सर कल जो इलेक्शन ड्यूटी पे टीम गई थी वो वापस आ गई? सर एक मिनट चेक करता हूँ। सर हमारे पुलिस स्टेशन से 5 लोगों की ड्यूटी लगी थी, उनमें से आज 3 लोगों की नाइट ड्यूटी है और 2 की डे की। सर उनमें से चेतना सिरके ने रिपोर्ट की है मगर कामिनी सकपड़ ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। सर रिपोर्ट तो तब करेगी जब वापस आएगी, वो वापस आई नहीं। ये चेतना का है? सर हम सभी इलेक्शन ड्यूटी के बाद वापस आ गए थे और तीनों कांस्टेबल बस से निकल गए थे और मैं और कामिनी उसकी स्कूटी से आ गए थे। उसने मुझे मेरे घर के पास ड्रॉप किया और वो निकल गई। तो जब कामिनी ने तुम्हें ड्रॉप किया तो कोई बात हुई थी? उसने कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रही है? हाँ सर, अरब घर पर वेट कर रहा होगा मेरा, उसको मेरे बिना नींद कहाँ आती। चल अपना ध्यान रखना, चल बाय बाय। पर साहब कामिनी तो घर आई ही नहीं। तुमने उसको फोन किया? साहब किया था फोन लेकिन उसने उठाया ही नहीं। मायके गई होगी, वहाँ फोन करके देखो। नहीं साहब, उसका मायका दूसरे गांव में, यहाँ से बहुत दूर। अपने घर पे आने के बजाय वो वहाँ क्यों जाएगी ना? लेकिन फिर भी मैंने उसके माँ बाप को फोन किया था, वो वहाँ पर भी नहीं है। गायकवाड़ एक काम करो, कामिनी ने चेतना को जहाँ ड्रॉप किया वहाँ से लेकर कामिनी के घर तक के रास्ते पे सर्च करो, पता करो किसी ने उसे देखा क्या। यूं अचानक इस तरह खुलेआम एक लेडी कांस्टेबल का गायब हो जाना एक गंभीर विषय था। कामिनी कहां थी, उसके साथ क्या हुआ था, इस बात की किसी को कोई जानकारी नहीं थी। क्या ये एक रैंडम क्राइम था या ये एक साजिश थी या फिर कोई दुश्मनी? साहब गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। क्या हुआ? साहब वो कामिनी की स्कूटर पार्क है। ये कामिनी की? हाँ साहब ये कामिनी की स्कूटर, इसकी डुप्लीकेट चाबी है तुम्हारे पास? डुप्लीकेट चाबी क्या घरच्या चावींबरोबर असते? बघतो। हाँ है सर। स्कूटर खराब हो गई इसीलिए कामिनी ने इसे यहाँ छोड़ दिया, लेकिन फिर वो कहाँ गई? एक काम करो अंदर पता करो किसी ने कुछ देखा है। हाँ बोलो गायकवाड। सर कामिनी की स्कूटी यहाँ हाईवे के पास मिली है, खराब हो गई, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कामिनी कहाँ गई। एक काम करो गायकवाड़, कामिनी का फोन सर्वेलेंस पे डाल दो। से मारता है क्या? आज मैं तेरी प्रिया टीचर को छोड़ूंगी नहीं। कितना जोर से मारा है, तेरे कैसा निशान पड़ा है मेरे बेटे को? कौन सा तेरा स्टाफ है? ये तूने मेरे बच्चे को मारा? तेरी अरे ये क्या कर रही हो? आज तेरे हाथ तोड़ के तेरे हाथ पे रख दूंगी। छोड़ दे 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 छोड़। सर इससे कुछ बोला ही नहीं, आके सीधा मारना शुरू कर दिया। सर इतनी बुरी तरीके से बाल खींच कर मारा है इसने। सर ऐसे कोई टीचर को मारता है क्या? ये टीचर नहीं है, जल्लाद है, जल्लाद। इतने छोटे बच्चे को कोई बुरी तरह से मारता है क्या? आपको विश्वास नहीं है ना? ये देखिए, देखिए मेरे बेटे के हाथ पे निशान,
ऐसे कोई मारता है क्या? सर मुझे इस औरत के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। अरे तू क्या मेरी कंप्लेंट लिखवाएगी? मैं इसकी कंप्लेंट पहले लिखवाऊंगी सर, क्योंकि इसने मेरे बच्चे को पहले मारा है, फिर मैंने इसे मारा है। नहीं नहीं साहब, हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी। अरे ऐसे कैसे हम कंप्लेंट नहीं लिखवाएंगे? जया तुम शांत हो जाओ। तुम देखो ये हमारे बच्चे के गुरु है और गुरु का दर्जा भगवान के समान होता है। इन्होंने अगर प्रीतम को मारा भी है तो जरूर उसके भले के लिए मारा होगा। मैडम मैं आप लोगों से अपनी बीवी की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। चलो चलो जया आ जाओ, प्रीतम आ जाओ। चल सर मुझे इस औरत के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सोच लो बच्चे को मारना ज्यादा बड़ा जुर्म है, ऐसा ना हो कि ये कंप्लेंट तुम पे उल्टे पड़ जाए। दोबारा ऐसे मत करना। बिस्किट खा। बाबा आई कहाँ है? अब तक आई क्यों नहीं? आ जाएगी बेटा, तू बिस्किट तो खा ले। नहीं बाबा, जब तक आई नहीं आएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा और आई के हाथ से ही खाऊंगा। सर कामिनी का फोन अभी स्विच ऑफ है, लेकिन अभी एक घंटे पहले तो उसका फोन ऑन था, हाईवे पे मूव कर रहा था। सर हाईवे पेट्रोल पुलिस का फोन आया था, हाईवे के बाजू में सर्विस रोड है, वहां पर एक औरत की डेड बॉडी मिली। आ रहा हूँ, कहाँ से कर चुके, खाना बिस्किट। देखो बॉडी किसकी है। सर ये बॉडी कामिनी की नहीं है। बॉडी अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। देखो गायकवाड़ किसी धारदार चीज से गला काटा गया है। सर बॉडी नेकेड है और बॉडी पे चोट के निशान भी है। सर लगता है इसका बलात्कार हुआ है। कुछ आइडेंटिटी प्रूफ मिला? कुछ भी नहीं। बॉडी को कैसे पहचानेंगे? पोस्टमार्टम के लिए भेज दो गाड़ी। यस सर। सर ये देखिए टायर के मार्क्स हैं, किसी बड़ी गाड़ी के। रिका में सर फॉरेंसिक टीम को बुला और ये टायर का इंप्रेशन लेने को बोलो। चेतना यस सर। बॉडी का फोटो सर्कुलेट कर दो आसपास के पुलिस स्टेशन में। यस सर। पता करो इसकी मिसिंग कंप्लेंट ठीक है। ओके सर। मुझे लगता है ये लड़की हाईवे पे अकेली थी और उसके अकेलेपन का किसी ने फायदा उठाया। कहाँ जाना है आपको? चलो हम छोड़ देते हैं, हम इसी तरफ जा रहे हैं। नहीं मैं बस से चली जाऊंगी। अरे बस से तो तभी जाओगी जब यहाँ कोई बस रुकेगी। यहाँ कोई बस स्टॉप नहीं है, आ जाओ हम छोड़ देते हैं। अरे डरो मत, हम अकेला नहीं है, हमारे साथ में हमारी भाभी भी है। आ रहा बेटा चलो हम घर चलते हैं। बाबा आई कहाँ है? यहाँ नहीं है तो कहाँ है आई? बेटा आई ड्यूटी पे गई है, जैसे ही ड्यूटी खत्म हो जाएगी वो घर पे आ जाएगी। चलो हम घर चलते हैं। सर ये तो गायकवाड़ जब तक कामिनी का पता नहीं चलता तब तक प्रमोद को नाइट ड्यूटी से हटा और डे ड्यूटी दे दो। सर और हाँ कामिनी ने चेतना को जहाँ ड्रॉप किया वहां से उसका फोन स्विच ऑफ होने तक का रूट चेक किया? सर उस पूरे एरिया को चेक किया, कुछ नहीं मिला। पर सर हाईवे के उस रूट पे उस पूरे रोड पर कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं जिससे कोई क्लू मिल सके। सर कल हमें हाईवे के पास जिस औरत की डेड बॉडी मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत का वक्त दोपहर 3 से 5 के बीच का है और शेविंग ब्लेड से गला काट के उसे मारा गया। सर मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया था और उसे बुरी तरह पीटा गया था। उसके बॉडी पे चोट के निशान है और उसका जबड़ा भी टूटा हुआ है। बॉडी में से सीमन सैंपल भी मिला है। गायकवाड़ जिन पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने इसकी फोटोग्राफ भेजी थी वहां से कोई फीडबैक आया? नहीं सर।
मतलब ये औरत किसी दूसरे शहर की या दूसरी स्टेट की हो सकती है। लेकिन सर सोचने वाली बात है कि एक औरत हाईवे पे अकेले क्या कर रही हो और कोई उसे क्यों इतने बहरे में से मारेगा। हेलो, कहाँ पर? अरे प्रमोद, घबराओ मत, कामिनी नहीं है। सर क्या लगता है? सेम टाइप ऑफ मर्डर, बॉडी को साड़ी से ढका गया है, बॉडी नेकेड है, बदन पे चोट के निशान है, मर्डर और बलात्कार का मामला है। जरा उठो, धारदार रेजर ब्लेड से गला काटा गया है और आइडेंटिटी प्रूफ कुछ भी नहीं, ना पर्स ना मोबाइल कुछ भी नहीं। इधर ये देखो, डबल टायर के निशान। हाँ सर, टायर के निशान तो वैसे ही। मतलब ये दोनों मर्डर किसी ट्रक या टेम्पो ड्राइवर ने किए। दो अनजान औरतों की लाश पुलिस को मिल चुकी थी, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, दोनों के साथ बलात्कार फिर मर्डर, और वो भी एक ही तरीके से। दोनों क्राइम सीन्स पर अगर कातिल का कोई सुराग था तो वो था टायर का वो निशान जिसे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का पहला सिरा बनाया। लेकिन कामिनी का अब तक कुछ पता नहीं चला था। मीडिया को भी इन केसेस की जानकारी लग चुकी थी और ये खबर टीवी चैनल्स पर दिन रात चल रही थी। मीडिया पुलिस से जवाब मांग रही थी और पुलिस के पास सिर्फ एक प्राइम सस्पेक्ट था, वो अनजान ट्रक ड्राइवर। जिन औरतों की बॉडी हमें मिली थी उनकी डिटेल्स आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भेजी थी, लेकिन कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिससे उनकी पहचान हो सके। कमाल लगा एक बार, दो औरतों के साथ रेप होता है, उनका मर्डर होता है और उनको पहचानने वाला कोई नहीं। अरे कोई तो होगा उनको पहचानने वाला। पर हाँ सर, जिन मेन पॉइंट्स पे हमने नाकाबंदी की थी वहां पर भी कोई सस्पिशियस ट्रक या टेम्पो नहीं मिला। कांस्टेबल कामिनी का क्या हुआ? सर तलाश जारी है, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। ये प्रमोद और कामिनी का घरेलू मामला रहेगा, झगड़ा अनबन ऐसा कुछ हुआ होगा उनमें। उनके शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो पता करो अपने स्टाफ से, इन दोनों में से किसी का अफेयर चल रहा था क्या? और इस बात की भनक प्रमोद को नहीं लगनी चाहिए। सर, पैसों के लिए पता नहीं कहां कहां मुंह मारती फिर रही है, पेट से। ए, ए, क्या हो रहा है सर? ए, मैडम, ये मेरी बीबी किसी और का पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है, और जब मैंने इसे पकड़ लिया तो कह रही है कि किसी ट्रक वाले ने इसके साथ जबरदस्ती की है, हेड़ा बना रही है मुझे। बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ, कब हुआ था? मैं 3 महीने पहले रोड पे बस का इंतजार कर रही थी। भैया वो मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? उन लोगों ने मेरा बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन मैं कैसे निकल के जान बचा के भाग गई। तुम्हारे पति का कहना है कि तुम उससे झूठ बोलती हो, अक्सर तुम 4-5 दिन घर से गायब रहती हो, ऐसा क्यों? साहब, मैं घर काम करके अपना गुजारा करती, सेठ लोग कभी कभी अपने बच्चे या फिर बूढ़े माँ बाप को छोड़कर मार जाते और मुझे देखभाल करने के लिए कहते, उसका अलग से पैसा भी देते हैं मेरे को। मैं अकेले कमाने वाली घर में, तो जहाँ से 2 पैसे मिलते मैं वहाँ पे काम कर लेती हूँ। साहब, वो टेम्पो ट्रक के डिटेल्स बता सकते हो? उसका कलर कैसा था, डिजाइन, उसका नंबर याद है? सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और वो लोग मुझको घसीट कर जंगल में ले गए थे, वहां से ट्रक नहीं दिख रहा था। उन दोनों का हुलिया याद है? हाँ साहब याद है। स्केच बनवाने में मदद करोगी? हाँ। इसका कहना है कि 3 महीने पहले इसके साथ रेप हुआ था, मतलब 3 महीने से चल रहा है। सर 3 महीने पहले तो ये लोग औरतों को सिर्फ रेप के लिए टारगेट कर रहे थे, अब मर्डर करने लगे। शायद इन्हें ये गलत फहमी हो गई है कि ये लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे। वो इसलिए कि उनके खिलाफ अभी तक कोई कंप्लेंट लिखवाने नहीं आया। सर अक्सर बलात्कार की शिकार औरतें घर वालों के प्रेशर और सोसाइटी में बदनामी के डर से चुप रह जाती है, लेकिन अब ये लोग मर्डर करने लगे, बॉडीज मिलने लगी और ये मामला सामने आ गया। रिकॉर्ड कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। जैसे स्केच कंप्लीट हो जाए
सर पुलिस स्टेशन आरटीओ ऑफिस और टुलना के भी सर्कुलेट कर दो। सर अच्छा ये प्रमोद और कामिनी के मैरिज लाइफ के बारे में कुछ पता चला? सर अंदर बात करें। सुनने में आया है कि प्रमोद का हमारे पुलिस स्टेशन के किसी लेडी कांस्टेबल के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता चल पाया है। नजर रखो इस प्रमोद पे, और जिस दिन कामिनी गायब हो गई उस दिन का इसका मोबाइल लोकेशन चेक करो। साहब मुझे आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी, इसको स्कूल छोड़ के आना है। तुम रुको गायकवाड़, बोले तेरे कॉन्स्टेबल ला पाठवा। आरो बरो सर। चलो बेटा साहब बड़ा। प्रमोद सर मैंने सुना है तुम शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। नहीं नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। देखो झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं, पूरे थाने को पता है। हाँ अगर तुम चाहते हो कि सबके सामने मैं पूछूं तो पूछता हूँ। नहीं साहब सच में ऐसा कुछ नहीं है साहब। देखो ये भी पता है कि वो हमारे थाने की कोई कांस्टेबल है, उसका नाम बताओ। नाम बताओ। चेतना शिर्के। मैं मानता हूँ कि मेरा चेतना के साथ अफेयर है, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ साहब, और मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी और मेरा घर परिवार टूटे। चेतना को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, वो नहीं चाहती कि मेरी शादी मेरा परिवार टूटे। आप ही बताओ साहब मैं अपने बीवी के साथ कुछ गलत क्यों कर सकता हूँ? इसका मतलब ये टाइम पास चल रहा है। जी साहब वो चेतना का पति शादी के एक महीने में ही उसकी मौत हो गई थी, तब से वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी, इसीलिए ये सब। अच्छा तो ये फिजिकल नीड का मामला है। जा सर, क्या आपको शक है कि चेतना और प्रमोद ने मिलकर कामिनी के साथ कुछ किया हो? हो सकता है, ये भी हो सकता है कि प्रमोद को सबक सिखाने के लिए कामिनी खुद गायब हो गई हो। ये भी हो सकता है कि उस ट्रक ड्राइवर की वो शिकार बनी हो, उसकी स्कूटी हाईवे पे बंद पड़ी, उसका फायदा ट्रक ड्राइवर ने उठाया, उसके साथ रेप किया, उसको मार दिया और उसकी बॉडी ऐसे जगह ठिकाने पहुंचाई जहां हम अभी तक नहीं पहुंच पाए, और उसका मोबाइल स्विच ऑफ करके हाईवे पे फेंक दिया हमें गुमराह करने। साहब साहब कामिनी का पता चल गया, बाजू वाले गांव में एक औरत मिली है पुलिस यूनिफॉर्म में। सर सरपंच को बोल दिया है कि हमारे पहुंचने तक उस औरत को वहां से जान ना। गाय को नेम प्लेट भी उसी की। ये कपड़े कहाँ से मिले तुमको? कहाँ से मिले कपड़े? एक मिनट प्रमोद, एक मिनट। ये यूनिफॉर्म किसने दिया तुमको? मेरे ये देखो, इसको देखा है तुमने? इसके कपड़े ये? इसको कहीं देखा है क्या? इससे लिए तुमने ये कपड़े? ये मेरे। सर यहाँ वर्दी पे खून लगा है। चेतना ये सर। हाँ ध्यान है, इनको दूसरे कपड़ों का इंतजाम करो और ये कपड़े फॉरेंसिक के लिए भेज दो। यस सर। चलिए चल आओ। हाँ दूसरे कपड़े मिलेंगे आपको। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई कामिनी। गायकवाड़ इसके यूनिफॉर्म पे कामिनी की नेम प्लेट है और कपड़ों पे खून के दाग, इसका मतलब किडनैपर ने कामिनी के कपड़े उतार के फेंक दिए जो इस औरत को मिले, और उसका मोबाइल हाईवे पे फेंक दिया जो उसका मोबाइल का लास्ट लोकेशन था। मतलब कामिनी के पास कपड़े नहीं है जैसे बाकी औरतों के पास नहीं थे, इसका मतलब कामिनी भी उस ट्रक ड्राइवर की शिकार बनी है। और नम्रता के बयान और स्केच के मुताबिक आदमी एक ने दो है जो एक के बाद एक ऐसे घिनौने जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। माई पेंटिंग्स हैव बीन सोल्ड लाइक हॉट केक्स। मैं जितना उसको बुरी लगना चाहती वो मेरे मुंह नहीं लगती है। मेरे को नहीं बात करने का उससे। चाहे काय जाला, क्यों इतना गुस्से में हो? फिर किसी से झगड़ा कर लिया? जिसके पड़ोसी इतने कमीने हैं उसका झगड़ा तो हो गई ना, जब देखो जब दूसरों के काम में टांग अड़ाने के लिए खड़े हो जाते। अरे अब किसने टांग अड़ा दी तुम्हारे काम में? पर कोशिश तो की ना। अब बारिश में छत ना टपके इस करके मैंने प्लास्टिक डलवाने को चार लोगों को बुलाया, वो अपना काम कर रहे थे कि बाजू वाली आ गई बोलने को, बड़ा आवाज आ रहा है, बड़ा आवाज आ रहा है।
अरे काम होगा तो आवाज तो आएगा ना। मैं कितनी बार तुम्हें समझाया, ऐसे रोज रोज पड़ोसी से लड़ना अच्छी बात नहीं है। इससे पहले कोई तुमको जूता मारे, खुद उसके मुंह पे जूता मारने का। अरे नहीं नहीं, प्रीतम बैठा है, उसके सामने सब बातें करना अच्छी बात नहीं है। राम राम शंभू। सर जिन दो औरतों की बॉडी हमें मिली थी उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मुझे लगता है गायकवाड़ ये जो दो बॉडी हमें मिली या तो प्रोस्टिट्यूट होगी या भिखारी होंगी, इसलिए उनके जान पहचान वाला अभी तक कोई नहीं आया। देखो पहली बॉडी हमें मिली हाईवे के राइट साइड के सर्विस रोड पे और दूसरी बॉडी मिली लेफ्ट साइड, मतलब पहले मर्डर के वक्त ट्रक मुंबई से नासिक जा रहा था थाने होकर और दूसरे मर्डर के वक्त ट्रक या टेम्पो नासिक से मुंबई जा रहा था थाने होकर। सर हमने उस रोड के सभी टोल नाके के सीसीटीवी फुटेजेस को भी चेक किया, लेकिन सर उन टोल नाकों से रोज सैकड़ों ट्रक्स और टेम्पोस निकलते हैं, उनमें से उस एक ट्रक को हम कैसे ढूंढे? पोस्टमार्टम के हिसाब से पहले इन दोनों औरतों पर रेप किया गया, बाद में रेजर ब्लेड से इनका गला काट कर इनको मारा गया। सिर्फ इनमें से बची तीसरी नम्रता नाम की औरत, और मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है। एक काम करते, इस नम्रता को क्राइम स्पॉट पे लेके जाते। तो तुम यहाँ बस का इंतजार कर रही थी? हाँ साहब। लेकिन यहाँ तो कोई बस स्टॉप है नहीं। बस वाले को हाथ दिखाओ ना तो वो बस रोक देता है। तो तुमने टेम्पो को हाथ दिखाया? हाँ साहब, वो बहुत देर तक ना कोई बस नहीं आई, तो मैंने सोचा कि टेम्पो वाले को आगे तक छोड़ने के लिए बोल दूं। फिर क्या हुआ? फिर साहब वो लोग मुझे घसीट कर वहां लेके गए। इसी जगह पे? हाँ पक्का, ये जगह नहीं भूल सकती साहब, सब कुछ एक जैसा ही दिखता है यहाँ। तुमने जब पत्थर मारा तो खून आया था? हाँ आया ही होगा, मैंने तो जोर से। ये चारों केसेस शहर के 20-30 किलोमीटर के दायरे में हुई है। हमें आखिरी बॉडी जो मिली वो मुंबई की तरफ आने वाली सर्विस रोड पे मिली, इसका मतलब ये ट्रक या टेम्पो मुंबई में ही होगा। हो सकता है अगले कुछ दिनों में वो किसी औरत को शिकार बनाने की कोशिश करे। हमें रोड पे नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर ये 20-30 किलोमीटर के दायरे में औरतों को शिकार बना रहा है तो ये जरूर जाते वक्त क्राइम करेगा। पाटिल लौकर। गायकवाड़ ये टेम्पो का नंबर आरटीओ में भेज दो, इसके मालिक की डिटेल्स निकालो। वो औरत कैसे है, डॉक्टर ने क्या बोला? सर वो बेहोश है और डॉक्टर ने कहा है कि सर उसका रेप हुआ है और उसे बुरी तरीके से पीटा भी गया है। सर तुम डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना, लड़की को होश आते ही उसका बयान लेना होगा। ओके सर। सर ये केस बिल्कुल नम्रता के केस है, रेप हुआ है लेकिन मर्डर नहीं। हो सकता है। हेलो कहाँ पर? ठीक है सर, पास के गांव के जंगल में एक औरत की सड़ी हुई लाश मिली है, हमारे कांस्टेबल्स वहां पे पहुंच गए। उन्होंने बताया कि लाश करीब 6-8 दिन पुरानी है। कामिनी को गायब हुए भी 7 दिन हुए सर। प्रमोद यहाँ रुको, यहाँ रुको, रिकवर इसको, रुको यहाँ। इसे भी पिछले दोनों विक्टिम्स की तरह ही मारा गया। बॉडी को देख के तो लगता है कामिनी है, लेकिन कंफर्म करना होगा। प्रमोद क्या ये मंगलसूत्र कामिनी का है? कामिनी, 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 कामिनी! बॉडी का पंचनामा करो और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर आखिरकार कामिनी के लापता होने की गुत्थी सुलझ चुकी थी। पुलिस को उसकी लाश मिली थी और उसके साथ भी वही हुआ था जो बाकी की दो औरतों के साथ हुआ था, पहले दुष्कर्म किया गया और फिर गला काटकर हत्या। कामिनी का मामला पहले दो मामलों से अलग लग रहा था, पर फिर नम्रता और प्रिया की कहानी का सच क्या था? ऐसे वहशी दरिंदों ने उन दोनों को जिंदा क्यों छोड़ दिया था? क्या उनके साथ भी उन्हीं अपराधियों ने दुष्कर्म किया था जिन्होंने कामिनी और बाकी दो के साथ जुर्म को अंजाम दिया था?
या फिर ये किसी और गिरोह का काम था? इस सवाल के जवाब के लिए पुलिस प्रिया के होश में आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सच वही बता सकती थी। बाबा आई किधर है? आपने आई को ढूंढ लिया? तेरी आई को भगवान ने अपने पास बुला लिया बेटा, अपने पास बुला लिया। सर, प्रिया सावंत को होश आ गया, डॉक्टर उसे डिस्चार्ज देने वाले। देखो घबराने की कोई बात नहीं, तुम एकदम सेफ हो, हमें हर चीज बताओ, अगर बताओगी तो हम मुजरिम को पकड़ पाएंगे। मैं उस दिन हाईवे पे खड़ी थी। अकेली? जी। तुम कहीं जॉब करती हो? तो बिजनेस? सब। मैं वो मैं धंधा करती है, मेरी 2 साल की बच्ची है, मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रहा था तो मेरे को ये काम करना पड़ा। तो तुम कस्टमर के लिए वहां हाईवे पर खड़ी थी? नहीं, मैं उधर गाड़ी से लिफ्ट लेने के लिए खड़ी थी। कस्टमर मैं मार्केट में ढूंढती है, मेरे को वो टेम्पो वाला सामने से आते हुए दिखा तो मैं लिफ्ट के लिए हाथ दिखाई उसको। भैया मेरे को आगे वाले मार्केट तक छोड़ दोगे? ड्राइवर के अलावा कोई आदमी था? कोई आदमी नहीं था वहां पे। फिर क्या हुआ? कुछ दूर जाते ही वो टेम्पो साइड में लेके गया। भैया ये हाईवे छोड़कर कौन से रास्ते पर लेके जा रहे हो? मैं इसके आगे उसके कुछ भी पूछती। उस वक्त वो औरत कहाँ थी? वो औरत पूरा टाइम उधर ही थी। फिर उसके बाद उन्होंने तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दिया? नहीं, वो औरत मेरे को मारने के लिए ब्लेड मेरे पास लेके आई, फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, वो मेरे को मारी नहीं, वो टेम्पो से फेंक दी मेरे को, और फिर वो दोनों आगे चले गए। साहब मेरे को जाने दो, मेरी छोटी बच्ची है, मैं उसको बाजू वाले के पास छोड़ के आई है, पता नहीं उसने ठीक से कुछ खाया पिया होगा कि नहीं। यान जी कंप्लेंट ले होंगे, उनको जाने दो। नम्रता का बयान है कि ये 2 आदमी है, और प्रिया का कहना है कि 1 आदमी और 1 औरत है। या तो ये 2 कोई अलग अलग गैंग है जो ये कांड कर रहे हैं, या तो इन दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है। लेकिन कौन, प्रिया या नम्रता? भैया मेरे को आगे वाले मार्केट तक छोड़ दोगे? भैया वो मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? साहब मैंने झूठ बोला था, मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, मैं उसी से पेट से हूँ। ये बात सिर्फ मैंने अपने पति से छुपाने के लिए झूठ बोली। साहब वो बहुत गुस्से वाला है, उसको मेरे चक्कर के बारे में पता चलता तो मार ही डालता मुझको। मैंने टीवी में देखा था साहब कि कोई ट्रक वाला है जो औरतों के साथ जबरदस्ती करता है, बस मैंने उसी का फायदा उठाकर ये झूठ बोला कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मैं पेट से हो गई। किसका बच्चा है ये? नाम पता क्या है उसका? मैं सच बोल रही हूँ, बस पति की मार से बचने के लिए झूठ बोला साहब। जाओ, शहर छोड़ के जाने का नहीं। चलो। पुलिस एक बार फिर से असमंजस में थी। 3 औरतों का बलात्कार के बाद कत्ल किया गया था, जबकि 4थी शिकार को बलात्कार के बाद जिंदा छोड़ दिया गया था, और 5वीं नम्रता ने पुलिस को बलात्कार की झूठी कहानी सुनाई थी। इन सभी पहलुओं को देखते हुए पुलिस के लिए अपराधी तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल साबित होने वाला था। कि आखिर ये अपराधी कौन हो सकते थे, क्यों एक आदमी औरतों के साथ बलात्कार कर रहा था और उसकी साथी औरत औरतों का कत्ल कर रही थी। इन सभी सवालों और इन सभी उलझनों के बीच पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने इस केस को एक नई दिशा दे दी। कितना ने हाईवे पे जिस टेम्पो का फोटो लिया था उसके ओनर का पता चल गया। कौन है वो? अरे तुम लोग जरा 2 मिनट इधर ही रुको, मैं कांदा लेकर आती हूं। अरे जया, कांदा वैसे ही बहुत महंगा है आजकल, छोड़ो ना, बिना कांदे के ही बना। मालूम है मेरे को, पर तेरे मांस मच्छी बिना कांदे के बनता है क्या? नहीं ना, बोल मांस मत ही छोड़ेगा तो मैं कांदा नहीं लेगी। हां ठीक है, तू जाओ ले आओ। चलो मैं कांदा लेकर आती हूं। पापा मुझे आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम खाना है? 1 किलो कांदा देना, इसको एक सॉफ्टी बना दो। कौन सा वाला खाएगा? मैं सिंपल। ए सेठ चल पापा।
हाय हाय, अरे ऐसे देना रे छुट्टा, देना देख कितना सुंदर बच्चा है, हमारा आशीर्वाद लगेगा, ए सेट देना रे। तुम इसी एरिया में रहते हो? हाँ जी। तो तुम्हें वो शंभू पता है, टेम्पो ड्राइवर? हाँ सर जानता हूँ। कहाँ रहते हो? यहाँ रहते सर। यही शंभू है? हाँ जी यही शंभू। एक मिनट सुनो, ये ट्रक किसका है? मेरा ही साहब। अभी तो सिर्फ मारा है, हम इसे रेप और मर्डर के केस में जेल ले जा रहे हैं। रेप और मर्डर, क्या बात कर रहे हो साहब? ये आदमी एक चीटी नहीं मार सकता, ये रेप और मर्डर क्या करेगा? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब, हम शरीफ लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया। एक मिनट एक मिनट, आप वही औरत है ना जिसने स्कूल में टीचर को मारा था? हाँ साहब मैं वही हूँ, लेकिन वो बात अलग थी। गाड़ी में डालो इसे। अरे लेकिन लेकिन साहब वो शरीफ आदमी है साहब, छोड़ दो उसे। शम्मू शम्मू, सर ये शम्मू है, वो टेम्पो इसी का। क्या हुआ साहब? मेरे कमरे को मारो, तूने मेरे कमरे को छोड़, वो छोड़ दे, तेरे को मैं, तूने मारो। सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने किसी का बलात्कार, किसी का बलात्कार नहीं किया साहब, मैंने किसी का कोई बलात्कार नहीं किया साहब, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ साहब। गायकवाड़, इसको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाओ, और प्रिया और दो बॉडीज उसके ऊपर मिले सीमेंस इसके साथ मैच करके देखो, इसे भी पता चल जाएगा कितना मासूम है। चल चल, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चाहिए मुझे, पड़ोसियों से पता करो। पड़ोसियों के हिसाब से शंभू बहुत ही शरीफ और सीधा साधा आदमी है, वो बस्ती के सभी औरतों को बहन मानता है। अरे नाटक करता होगा अपने एरिया में शरीफ बनने का, जब टेम्पो लेके ट्रिप पे घूमता है तो औरतों के साथ रेप करता है। हो सकता है सर, लेकिन सभी पड़ोसियों ने शंभू के पत्नी के लड़ाकू और झगड़ालू नेचर के बारे में बताया है, उनके हिसाब से शंभू नहीं मगर वो जरूर मर्डर कर सकती है। सर ऐसा हो सकता है, स्कूल में भी जया ने टीचर की हालत खराब कर दी, पर वैसे भी शंभू हमारा कल्प्रिट नहीं हो सकता क्योंकि प्रेलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक उसका सीमेन रेपिस्ट के सीमेन से मैच नहीं करता। इस शंभू की डिटेल रिपोर्ट कब आएगी? सर कल तक आ जाएगी। उसको इंट्रोगेशन रूम में बुला। सर क्या ये वही आदमी है? नहीं। इस वक्त तेरा टेम्पो कहाँ है? सर वो तो आज सुबह एक दूसरा ड्राइवर लेके गया। दूसरा ड्राइवर मतलब? मेरे पास जब बुकिंग नहीं होती साहब तो मैं अपना टेम्पो भाड़े पे दे देता हूँ साहब, ताकि चार पैसे आ जाए। पैसे कितने ड्राइवर को देते हैं तू टेम्पो? 5-6 है साहब। अभी किसके पास? अभी तो वो विलास, विलास गौरव के पास है साहब। विलास गौरव के साथ साथ तू जितने भी ड्राइवर को देता है ना तेरा टेम्पो, सबके नंबर चाहिए मेरे को। क्या चल रहे? कल ही तेरे बीवी का अंतिम संस्कार हुआ और आज शुरू? आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है सर, मैं तो चेतना को ये बोल रहा था कि उसके और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है, मैं अब सिर्फ अपने बेटे का ख्याल रखना चाहता हूँ, पर वो गुस्सा हो गई, उसे लगा कि मैं उसे नाराज हूँ, उसे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। ठीक है घर जाओ और बेटे पे ध्यान दो। सर सर शंभू ने जिन ड्राइवर्स के नाम बताए थे उन्हें और उनके क्लीनर्स को कल रात को उठा लिया था। मेडिकल हुआ उनका? जी सर, लेकिन किसी का भी सीमन मैच नहीं हुआ। और शंभू का ड्राइवर विलास गुरो उसका हुआ मेडिकल? नहीं सर, उसने बताया कि वो कर्नाटका का बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, माल डिलीवर करने से पहले वापस नहीं आ सकता। गायकवाड़ एक काम करो, कर्नाटका हाईवे पुलिस को टेम्पो का डिटेल्स भेजो और उनको बोलो जैसे ये टेम्पो दिखता है उसको सीज करो। जी सर। और सर इस शंभू का भी मेडिकल रिपोर्ट आ गया है। और क्या सर? रिपोर्ट और डॉक्टर दोनों का ये कहना है कि ये शंभू ने रेप नहीं किया है। वो रेप तो क्या, उसने आज तक किसी के साथ फिजिकल रिलेशन तक नहीं बनाया, वर्जिन है। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वो शादीशुदा है, उसको एक बेटा है। और इस बेटे का राज उसकी बीवी जया ही हमें बता सकती है। शंभू मेरे बेटे का सगा बाप नहीं है साहब, वो सौतेला है। जब मेरा बेटा प्रीतम 1 साल का था तो उसके बाप की मौत हो गई थी। शंभू अनाथ था, मेरे पति के परिवार के साथ ही रहता था। मेरे पति के मौत के बाद सभी लोग मेरे पे बहुत गंदी नजर रखते थे साहब, इस करके बचने के लिए
शंभू ने मेरे से शादी की, शादी के 8 साल हो गए हैं सर, पर उस आदमी ने कभी मेरे को हाथ नहीं लगाया। वो आदमी बहुत अच्छा है साहब। तुम? इतना मारा तेरे को इन लोगों ने, देखना इन लोगों का कभी भला नहीं होगा। तुम शांत हो जाओ जया, शांत हो जाओ। पर साहब ने मुझे छोड़ दिया जया। छोड़ना पड़ा गायक, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि शंभू ने उसके टेम्पो से प्रिया को हाईवे पे फेंका। गायकवाड़ कुछ तो मिस कर रहे हैं हम लोग, इसलिए अभी तक हमें क्लू नहीं मिला। सर जया ने बताया कि 8 साल की शादी में शंभू ने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। शंभू का जो भी इशू है, जया एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है, जवान है, उसकी अपनी जरूरतें होंगी, और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हो सकता है उसका किसी के साथ कोई अफेयर। पर सर उसका इस केस से क्या लेना देना? गायकवाड़ हर टेम्पो पे क्लीनर होता है, ये शंभू का क्लीनर कौन है? देखो सर, शंभू का टेम्पो वापस आ गया, और वो ड्राइवर विलास गुरो उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया। वो फोरेंसिक टीम को टेम्पो का हर एक इंच स्कैन करने के लिए बोला है। फोरेंसिक टीम के मुताबिक इस टेम्पो के टायर का पैटर्न हमें क्राइम सीन्स पे जो टायर के मार्क्स मिले थे उससे मैच करता है। मिरर पे फिंगरप्रिंट है, इसको फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेजो, और ये बिंदी इसको डीएनए एक्सपर्ट के पास भेजो। ये गोविंद जिसको भी भाभी बनाकर यूज कर रहा था, 100% उसका डीएनए इसके चिपकने वाले साइड पे होगा। सर, फोरेंसिक टीम से बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई है। क्या? टेम्पो के फ्लोर पे जो ब्लड सैंपल्स मिले थे उसमें 2 या 4 औरतों का नहीं बल्कि 34 से 38 औरतों का ब्लड है। क्या? अरे गोविंद, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं साहब। तो फिर हमारे साथ चल। सब सब क्या हुआ साहब? मैंने कुछ क्या कर रहे साहब? बैगवार्ड, क्या यही था वो आदमी? हाँ, यही था वो शैतान। अरे मत कैसी, मत कैसी, तेरी बात कर रहे हो प्रिया? कौन सी टेक्नो की है? इनको लेके जाओ, लेके जाओ इनको। चलो साहब, साहब झूठ बोल रही है वो। तो झूठ बोल रही, और ये मेडिकल रिपोर्ट, ये भी झूठ बोल रहा है। इससे साबित होता है कि उन औरतों का रेप तूने किया था। विक्टिम से मिले सीमेन से तुम्हारा डीएनए मैच हो चुका है। अब एक बात बता, वो औरत कौन थी जो तुम्हें रेप और मर्डर करते देखती थी? साहब मैंने रेप किया साहब, पर मर्डर वर्डर मैंने नहीं किया। तो मर्डर क्या उस औरत ने किए? हाँ। कौन थी औरत, कौन थी औरत? बैकवार्ड, अरे साहब, अरे साहब बता नाम क्या? देख तूने बताया नहीं ना, फिर भी हम पता कर लेंगे। नहीं बताएगा बैकवार, इसका खाना पीना सब बंद। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स, इसे साफ होता है कि तुम शंभू के क्लीनर गोविंद को दिन में 4 से 5 बार फोन करती थी। सर क्योंकि शंभू अपने पास फोन नहीं रखता है, तो मेरे को कुछ भी हालचाल लेना होता है या कोई भी मैसेज देना होता है तो मैं गोविंद को कॉल करती हूँ। तब भी जब शंभू तेरे साथ होता है तो गोविंद से 10-10, 15-15 मिनट तक बात करती है। मैं सच बोल रही हूँ साहब, मेरा गोविंद के साथ कोई चक्कर नहीं है। इसे पहचानती हो? नहीं, कौन है ये? ये वही है जिसका बच्चा तेरे पेट में है। नहीं ये वो नहीं है, वो तो दुबई में स्वीपर का काम करता है। छुट्टियों में आया था तब हमारे बीच ये सब हुआ, 2 महीने पहले ही वापस गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, इन 4 राज्यों में जो ग्रीन पिंस, ये वो जगह है जहां पर लोकल पुलिस को औरतों की नेकेड डेड बॉडीज मिली थी। औरतों के साथ रेप किया गया था, फिर रेजर ब्लेड से गला काट के उन्हें मार दिया गया था। और ये जो रेड पिंस, ये वो जगह है जहां पर औरतों के साथ रेप तो हुआ था पर उन्हें जिंदा टेम्पो से फेंक दिया गया था, जो बच गई थी। और उन औरतों को मारा गया जिनको बेटे, और उन औरतों को जिंदा छोड़ा गया जिनको बेटियां हैं या बच्चे नहीं। जी सर, तो हो सकता है कि ये जो औरत है जो गोविंद के साथ मिलकर सारे मर्डर्स कर रही थी, उसको बहुत सारी बेटियां, बेटा ना हो पाया, और इसी गुस्से में वो उन औरतों को मार रही थी जिनके बेटे थे। नहीं गायकवाड़, हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट औरत है उनमें से किसी को ज्यादा बेटियां नहीं है, ये माजरा कुछ और है। सर, टेम्पो के शीशे पर जो बिंदिया मिली थी उन पर किसी औरत का डीएनए नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है, वो यूज्ड बिंदिया थी। सर उन पर डीएनए मिला है लेकिन किसी औरत का नहीं, आदमी का है। तेरा डीएनए नहीं, तेरे फिंगरप्रिंट भी मिले मिरर पर, और टेम्पो के सीट के पीछे ब्लाउज और सारीज भी मिली। इतना ही नहीं, वो वीक भी मिला है जो पहन के तो औरत बनता था।
और हाईवे पे मिलने वाली औरत को तू गोविंद के पास लेके जाता था, फिर गोविंद उसके साथ रेप करता था, वो तू देखता था, उसके बाद में रेजर से तू उनका गला काट के उनको मार देता था। सच है नहीं? हाँ सर। एक बात बता, तू उन औरतों को क्यों मारता था जिनके बेटे थे, और उन औरतों को क्यों छोड़ता था जिनकी बेटियां थी या जिनको औलाद नहीं थी? क्योंकि मेरी माँ ने जब मैं 8 साल का था मुझे एक आदमी को बेच दिया था सिर्फ 2000 रुपए के लिए। उस आदमी ने 2 साल तक मेरा बलात्कार किया और फिर एक दिन मैं वहां से भाग गया। जय के पति से मेरी दोस्ती हुई, उसने मुझे नौकरी रहने की जगह सब कुछ दिया, लेकिन दो साल जो कुछ मेरे साथ हुआ ना साहब, वो आज भी रात को सपने में मुझे डराता है। और उसके बाद मैंने ट्रक खरीदा, और एक दिन जब हाईवे पर ट्रक में माल लेके जा रहा था ना साहब, तो एक औरत ने मुझसे लिफ्ट मांगी, मैंने उसे लिफ्ट दे दी। बातों बातों में उस औरत ने मुझे बताया कि वो बहुत गरीब है साहब, बहुत गरीब, और वो सोच रही है कि अपना बेटा बेच दे। मुझे लगा उस बच्चे के साथ भी वही सब होने वाला है जो मेरे साथ हुआ। मैंने उस औरत को मार दिया साहब, तब मुझे लगा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैंने उसका बदला ले लिया। छोटे छोटे बच्चों को बचा रहा हूं मैं, जितनी भी औरतें जिनके छोटे छोटे बेटे थे मैंने सबको मार दिया। एक दिन गोविंद आया, गोविंद ने मुझे बोला कि अगर तुझे उन्हें मारना ही है तो क्यों ना पहले मैं उनके साथ मजे ले लूं। लगा ठीक है, अच्छा है, इसमें बुरा क्या है, सही है, वो इसी लायक थी। और उसके बाद मैं इधर से उनका मर्डर कर देता था साहब। कितने औरतों को मारा तुझे? 40-50 होंगी साहब। माँ वो गोद, वो दामन, वो छांव है जहां जिंदगी सबसे सुंदर और सुरक्षित महसूस होती है। लेकिन एक माँ का अपने बेटे से विश्वासघात का नतीजा इस कदर डरावना था कि वो हर माँ को दोषी समझने लगा। बच्चे गीली मिट्टी की तरह से होते हैं, उन्हें जिस सांचे में ढालो वो ढल जाएंगे। इसलिए माता पिता, परिवार और समाज की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो इस कर्तव्य को समझें, वरना नतीजे इस केस जितने खतरनाक हो सकते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।